हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिसने इन्वेंट किया था हेनरी मोजली की हिस्ट्री अच्छे से स्टडी कर ली थी। सो आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है, उससे अच्छे से हम स्टडी करेंगे। उसमें कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स है, उसे किस तरह से प्रॉपरली प्लेस किया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही था ना कि इतनी जो एलिमेंट्स है हमारे 118 एलिमेंट्स है, उन्हें प्रॉपरली प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किस तरह से प्लेस किया गया है। तो शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन्वेंटेड बाय हेनरी मोजली। सो यहाँ पे कितने हैं, सेवन पीरियड्स होंगे। कितने हैं, सेवन पीरियड्स। एंड 18 ग्रुप्स। सो जो लेफ्ट साइड में हम ऐसे देखते हैं, पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं। तो हॉरिजेंटल कितने हैं, पहले इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, फिर लिथियम, बेरियम, बोरोन है। इस तरह से जो है ये पीरियड से देखो हम काउंट करते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से सेवन पीरियड्स है। और ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब ऐसे वर्टिकल। तो वर्टिकल कितने हैं, आप टोटल काउंट करिए, वो टोटल है हमारे 18। आगे दो है, पीछे छः, और फिर बाकी के मिडल में। अभी हमें क्या देखना है, पीरियड और ग्रुप देख लिया। सारे एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर बॉक्स दिया गया है, सारे एलिमेंट्स को हमने एक पर्टिकुलर बॉक्स में प्लेस किया गया है विद उनका एटॉमिक नंबर भी। आप देखेंगे हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और मास को नीचे। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किसके बेस में है, क्या क्लासिफिकेशन था, इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर की वजह से हमने यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम सबके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, एंड दैट इज एटॉमिक नंबर। सभी हमें वन बाय वन इस पूरे टेबल को अच्छे से डिस्कस करना है, कहाँ पे क्या है, कैसे हैं। हाँ, इसके चार ब्लॉक्स होते हैं, तो उससे अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे। ओके, सो ये जो है हमने लेफ्ट साइड की दो ग्रुप्स ले लिए हैं, इसे कहते हैं एस ब्लॉक। मेरे साथ ना आप इस नोट वाइज लिखते भी जाइए इसे कि किसे क्या कहते हैं, कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम स्टडी करो ना तो आपको फटाफट समझ में आ जाए। तो इसे हम कहेंगे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। अभी इसके अंदर कितने हैं, दो है, दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप के जो है उसको कहते हैं अल्कली मेटल, क्या कहते हैं हम इसे, अल्कली मेटल्स। और जो सेकेंड ग्रुप है इसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे लिख लो, मेटल लिखो, और इसे हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑलराइट, तो पहला जो ग्रुप है जो अल्कली मेटल है, अभी उसे हम याद कैसे रखें, हमें एक ट्रिक भी चाहिए याद रखने की। तो देखो पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांचियम, ह ली ना की रब से फरहत। इस वजह से ये एक ट्रिक है, निमोनिम्स कहते हैं इन्हें, इस वजह से हम इसे याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है तो कैसे, ह ली ना की रब से फरियाद, मतलब हलीना नाम की लड़की ने रब से क्या की, फरियाद की। तो इस नाम से हमें ये याद रखना है। सेकेंड जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। अब इसे इसका भी ट्रिक चाहिए, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार सिर बाबूजी रगरे, बेटा मांगे कार सिर बाबूजी रगरे। तो इस तरह से हमें ये दो याद भी रखना है। अभी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स को भी, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप को भी रिजेंबल करता है, और हेलोजन ग्रुप जिसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, हेलोजन को भी क्या करता है, प्रॉपर्टी सेम दिखाता है, मतलब यहाँ से भी है और वहाँ से भी है। इसलिए उसको क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के ना ऊपर प्लेस किया जाता है, मतलब यहाँ पे नहीं। हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग फ्रॉम अल्कली मेटल, उसको आप एकदम यहाँ पे अलग प्लेस कर सकते हो ऊपर, इस तरह से उसे अलग प्लेसमेंट की गई है। देखो
इसलिए देखो टेबल में कैसे दिखा है, जो भी येलो है वो अल्कली, और ऊपर एक कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अल्कली से नहीं, उसको एकदम टेबल में अलग प्लेसमेंट दी गई है, सबसे वन नंबर पे। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितने हैं, 336, सिक्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो पूरे के पूरे यहाँ पे दे दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? अल्कली मेटल दे दिया पर क्यों? बिकॉज दे आर वेरी मच रिएक्टिव विथ वाटर एंड एयर। ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर से, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है किसमें, ऑयल और कैरोसिन में। आपको पता ही होगा ये यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम, उनको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि वो वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट ना हो, बिकॉज दे आर हाईली फ्लेमेबल। चलो तो यहाँ तक अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, फर्स्ट टू ग्रुप्स एस ब्लॉक कहते हैं, कैसे याद रखना है टिप वाइज, इसको एस ब्लॉक कहते हैं, हाइड्रोजन को अलग प्लेसमेंट है, पहले ग्रुप का नाम अल्कली है, सेकेंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ अभी देखो पीछे क्या है, मेटल है, यानी कि फर्स्ट ये जो एस ब्लॉक है इसके अंदर सारे के सारे मेटल्स प्लेस्ड है, कोई भी नॉन मेटल नहीं है। सो लेफ्ट साइड का हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये देखो राइट साइड एस ब्लॉक, इसे क्या कहते हैं अभी, इसे हम कहेंगे पी ब्लॉक, इसे क्या कहेंगे पी ब्लॉक, लिखते भी जाओ लिखते भी जाओ, ठीक है, इसे कहेंगे पी ब्लॉक। तो अभी हम इसको पीछे से डिस्कस करते हैं, ये जो ग्रुप है हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन, इसे कहते हैं नोबल गैसेस, इसे कहते हैं नोबल गैस और इनर्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, इनर्ट एलिमेंट्स। अभी इसे इनर्ट एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये अपने अपने जिंदगी में एकदम खुश है, ये ना किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, नोबल गैस एंड इनर्ट एलिमेंट। इसका एक और नाम है वो भी लिख लो, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, यही इसकी खासियत है, जीरो ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसे कहते हैं हम हैलोजन। सो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी अल्कली से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन इस ग्रुप से मैच करती है। सो इस ग्रुप का नाम लिख लें हैलोजन। अभी उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलोनियम, अच्छा इस ग्रुप को कहते हैं कैल्सोजन, पहले नोट डाउन कर लो फास्ट। कैल्सो जन, ठीक है लिख लिया इतना हमने। अभी इससे हमें क्या करना है, याद करना है, अभी एक बात याद रखना है, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं अच्छे से, ये सब क्या है, इनके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, साथ में होते हैं मेटलॉइड्स। क्या देखा था हमने, ये जो एस ब्लॉक है, ठीक है ये जो यहाँ पे ये पूरा एस ब्लॉक है इसमें सिर्फ मेटल्स होते हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक है इस सेट राइट सेट में इसके अंदर तीनों है, इसके अंदर मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, इसके अंदर मेटलॉइड्स भी है। सो जो यहाँ पे मैंने येलो से किया है ना हाईलाइट कर रखा है, देखो येलो से ये सब क्या है हमारे, ये सब मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स से है और कुछ नॉन मेटल्स है, मीन्स मेटलॉइड आर द सब्सटेंसेस विच आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करती है, उससे हम कहते हैं मेटलॉइड। एग्जाम्पल याद करके जाना है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन प्लस आपको टू एग्जाम्पल लिखना होता है, सो इट इज बोरॉन सिलिकॉन एस्टेटाइन, ऐसे आपको दो एग्जाम्पल वहाँ पर याद करके जाना है अच्छे से। और मेटल नॉन मेटल क्या होता है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
दे आर लस्टरस, शाइनी, ब्रिटल, टूट जाते हैं एंड दे आर नॉट, इस तरह से उसका डिफरेंस बिटवीन है। ओके अभी हम इसके साथ में इसकी नंबरिंग करते हैं। अभी देखो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, इसकी 1, 2, इसकी 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से इसकी नंबरिंग है। ग्रुप का नाम भी हमें याद होना चाहिए कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं। हाँ अभी इसमें ना एक और अच्छी बात है कि बोरॉन जो है ना उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। जो पहला कौन है, बोरॉन है, तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। जो दूसरा है वो है कार्बन, तो उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। मतलब पहले एलिमेंट से उनके ग्रुप का नाम है, इसको कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरिन फैमिली। इस तरह से इनका एक और ये नाम है। साथ में अभी देखो ये जो हाईलाइट कर रखा है हमने, ये जो हाईलाइट कर रखा है येलो से, उस ये जो यहाँ पे जितना भी ग्रीन है इसे हम क्या कहेंगे, मेटल्स। ये सब क्या है, मेटल्स है यहाँ पे। और जो भी ब्लू है, जो यहाँ पे ब्लू है, ये है नॉन मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब इस तरह से मेटोलाइट्स गिवन है। मेटोलाइट्स के पहले मेटल्स है, मेटोलाइट्स के बाद में नॉन मेटल्स है। पहले मेटल्स, फिर मेटोलाइट्स के ऐसे देखो हाईलाइट कर दिया है, उसके बाद है नॉन मेटल्स। एंड लास्ट वाला जो ग्रुप है वो है नोबल गैस, विच डज नॉट रिएक्ट विथ एनी वन। सो यहाँ तक हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अभी इसे आप याद कैसे रखोगे वो देखो, बैंगन, आलू, गाजर एंड थेला, बोरॉन फैमिली है ना। अगर उसके एलिमेंट्स को याद रखना है तो कैसे, बैंगन, आलू, गाजर, दोनों हमने तीनों ले ले, कहाँ पे, इन थेला। नेक्स्ट है कैसे जी सुनो पबजी, कैसे हो सुनो पबजी, तो के मतलब कार्बन, कैसे जी सुनो पबजी। थर्ड वाला नाइट्रोजन ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, नारियल पानी ऐसे सभी बिंगो, नारियल पानी ऐसे सभी बिंगो। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को ओ उससे टेपो, ओ लड़के का नाम है, ओ तुम उससे टेपो, तो इससे कहेंगे ओ उससे टेपो। फिर ये जो हेलोजन है इसे तो आपको ऐसे ही याद रखना है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन। लाइकवाइज नोबल गैस को भी ऐसे ही याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, अभी ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं डी ब्लॉक। मतलब इसका नाम था एस, इसका नाम था पी, और बीच वाले का क्या है, ब्लॉक का नाम है डी ब्लॉक नाम है। इसे एक और नाम दिया गया है, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल। यहाँ पे भी सारे सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ऑलराइट, अभी इनकी खासियत क्या है, जो कलर्स आते हैं ना वो मेनली जो कलर्स होते हैं ना वो यहाँ से आते हैं। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास जब उनको बर्न किया जाता है या नॉर्मली उनको किसी में डिसॉल्व किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कलर देते हैं, कलर छोड़ने वाले एलिमेंट्स है ये। सो यहाँ पे ये जो ग्रुप है 20 के बाद 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इस ब्लॉक का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट, बस। उसके बाद अभी लास्ट क्या लेना है, एफ ब्लॉक, तो इससे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। अभी यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान दो, जिससे मैं सर्कल कर रही हूँ, इसे हम ब्लैक से सर्कल कर लेंगे। देखो ये बेरियम दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, लैंथेनम। 57 के बाद डायरेक्ट 72 कैसे आ सकता है, मतलब कुछ तो वहाँ पे है ना, 57 के बाद डायरेक्ट 72 दिया है। तो आप अभी नीचे ध्यान से देखो, 57 के बाद यहाँ पे नीचे दिया 58 to 71 और फिर यहाँ पे 72। मतलब क्या कि जो बीच के एलिमेंट्स है ना, मतलब 57 के बाद जो एलिमेंट्स है 71 तक, उन्हें नीचे अलग से बॉटम में निकाल के रख दिया गया है। ऐसा क्यों किया, ताकि पीरियोडिक टेबल हम एक ही पेज के अंदर, हमारे जो सिस्टम साइज पेज होता है उसके अंदर हम अच्छे से फिट कर सके। इसलिए हमने उससे क्या कर दिया, उन एलिमेंट्स को नीचे बॉटम में प्लेस कर दिया गया और उन्हें ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। सेम यहाँ देखो, यहाँ पे 89 है, 89 के बाद डायरेक्ट 104 है। तो 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसे हमने नीचे बॉटम में प्लेस कर दिया है और उसका नाम क्या, यस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज है, पहला ये सीरीज है और सेकंड सीरीज है, तो इनका भी अलग अलग नाम है, अभी हम वो नाम याद करेंगे।
सो इसे कहते हैं लेंथेनाइड्स। पहले ग्रुप को कहते हैं लेंथेनाइड्स, और जो लास्ट है उसे कहते हैं हम एक्टिनाइड्स। लिख लिया। अभी देखो इसलिए हमने इसे किस तरह से प्लेस किया, ये 57 है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी हम रेड से ये करते हैं, ये यहाँ पे 57 है ना, तो ये नीचे आना है यहाँ से, ये आ गए 58 से लेके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए 71 तक, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 72, तो उसे इसी तरह से नीचे यहीं प्लेस करना है। और ये 89 है, तो 89 के बाद यहाँ पे है 91, सॉरी 89 के बाद यहाँ पे 90 है, 90 से लेके 103 तक यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे है 104। तो इस तरह से हमने सारे ब्लॉक्स पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ लिया। एक बार एकदम फटाफट उसका रिविजन कर लेते ताकि एकदम फिट हो जाए ब्रेन में। सो पहला जो ग्रुप था उसमें दो ग्रुप्स, पहले जो ब्लॉक था उसमें दो ग्रुप्स थे, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसमें हाइड्रोजन अलग से प्लेस था। उसके बाद राइट साइड में उसे क्या कहते हैं, प्री ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहाँ पे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, हेलोजन एंड नोबल गैस। क्या याद रखना है उसमें कि जो लास्ट वाला ग्रुप है उसे नोबल गैस और इनर्ट गैसेस कहते हैं, उससे जो पहले उसे हम कहते हैं हेलोजन्स, और ओ उससे टेपो उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सोजन। इतना ही याद रखना है, सफिशियंट है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या नाम है ब्लॉक में, डी ब्लॉक, क्या नाम है, डी ब्लॉक। हाँ अभी अगर इसे ट्रांजिशन कहते हैं ना, इसे ट्रांजिशन कहते हैं, तो ये जो है ना नीचे के दो ग्रुप्स हैं कौन से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन ऐसा नाम क्यों दिया होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर ही थे, इनको अलग से निकाला गया, तो ट्रांजिशन के इनसाइड थे ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इतना ही जरूरी है, इतना एकदम अच्छे से याद रखो, 7 पीरियड, 18 ग्रुप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कंप्लीट, SPDF, इस तरह से याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से इसे एकदम समझ लीजिए, ताकि हमें जो अभी लॉ करना है आगे, मॉडर्न पीरियडिक लॉ करना है, उसके लिए ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा क्लिक हो जाना। थैंक यू वेरी मच।